ये 13 कपल्स जो हैं ये सब इनको हमने अच्छी तरह तहकीक करके देखा कि इनके पास इतना सामान नहीं है कि बच्चियों की शादियां कर सकें। जो सामान हम एक कपल को देते हैं वो सबको देते हैं। अपने इसलिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए भी जीना सीखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त शादीशुदा जोड़े देख रहे होंगे। दूल्हे दुल्हनों का झुरमट है और खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही हैं। ये सारा कुछ इवेंट प्लान किया मिस रूबा हुमायूं साहिबा ने, जिन्होंने एक बहुत ही नेक कॉज के लिए मैस वेडिंग सेरेमनी रखी थी। इनसे जानते हैं कि ये कब से कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, सबसे पहले तो आपको ढेरों मुबारकबाद। शादी तो एक नहीं मान होती, आपने माशाल्लाह 13 जोड़ों की शादियां करवा दी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से है, ये सआदत उसी की तरफ से नसीब हुई है हमें। मिस बताइएगा, ये कैसे माइंड में ख्याल आया कि मैस वेडिंग करवाई जाए और उन अफराद की करवाई जाए जो कि मुस्तहिक हैं? देखिए, बहुत से फैमिलीज़ इस तरह की नॉन अफोर्डिंग हमारे सोसाइटी में मौजूद हैं जो कि बिल्कुल अपनी बच्चियों को रुख्सत करने के लिए बैठी होती हैं और उनके पास इतना सामान नहीं होता कि वो अपनी बच्चियों को रुख्सत कर सकें। तो हमारे ये जो जितने भी हमने कपल सिलेक्ट किए हैं, ये 13 कपल्स जो हैं, ये सब इनको हमने अच्छी तरह तहकीक करके देखा कि इनके पास इतना सामान नहीं है कि बच्चियों की शादियाँ कर सकें। तो इनको फिर हमने अपने इस टीम में हिस्सा बनाया और उसके बाद फिर अब ये तरीक़ेकार होता है स्कीम में शामिल होने, उनकी स्क्रीनिंग हम करते हैं, रेफरेंस होता है उनका और उनको कोई ना कोई हमारे मेंबर्स में से जानता है और उनकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो जाती है, उसके बाद फिर हम उनको शामिल कर लेते हैं इसमें। और फिर वो जो सामान हम एक कपल को देते हैं वो सबको देते हैं, तो वो सामान और उसके बाद ये खाना और निकाह हमने कल कर दिए थे उनके अपने हेड ऑफिस में। हमारा हेड ऑफिस मॉडल टाउन में है और हमारे साथ जो मेंबर्स, हमारे डोनर्स, हमारे वेल विशर्स हैं, वो सब इस कार्य खैर में हमारे साथ शामिल हैं। ये मेरे ख्याल से इससे पहले भी इस तरह के इवेंट्स आप कर चुकी हैं? जी, हर साल हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। और इसमें ये सिलेक्शन जो है वो हमारी हो जाती है, फिर हमने फाइनल करके तो ये एक प्रोग्राम करके तो उनको सबको रुख्सत करते हैं इकट्ठे। जब माँ बाप देखते हैं कि उनके बच्चों बच्चे बच्चियों की आपने शादी करवा दी है, तो उनके क्या रिएक्शंस होते हैं? दुआएं तो देते होंगे? दुआएं उनके दिल से निकल रही होती हैं, वो उन लोगों के ड्रीम में भी नहीं होता इतना प्यारा सामान इन बच्चियों को मिलेगा और इतनी अच्छी तरह मिसेस गवर्नर के साथ, मतलब उनकी दुआओं में रुख्सत होंगी है। तो ये चीज़ें मैं समझती हूँ कि उनके लिए भी बहुत खुशी का बायस होती है और उनके उनकी दुआएँ हमारे लिए एसेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर काफ़ी स्ट्रगल तो होती होगी, चूँकि सारी बातें एक एक को आपने देखना है, वेरीफाई करना, सारे मामलात को लेके चलना। सारा हमारा सिस्टम बना हुआ है, वो सब चीज़ें हम देख के और उनको शामिल कर लेते हैं टीम में, फिर उसके बाद ये इस इज्तिमाई शादी में शामिल हो जाते हैं वो लोग। तो लास्ट ईयर जो करवाई थी आपने शादी में, माशाल्लाह से कामयाब हैं, अपने घरों में आबाद हैं माशाल्लाह जी। उसकी अपडेट हमें आती रहती है। कोई मैसेज देना चाहें? मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी ज़ात से निकलें, सिर्फ अपना ना सोचें, अपनी सोसाइटी को पे बैक करें। बहुत से डिज़र्विंग लोग हैं जिनको हमारी थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होती है और उससे उनके बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। तो अपने इसलिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए भी जीना सीखें, कुछ ना कुछ करें। मिस आपको मैसेज देना जी, मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि अल्लाह की कार खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, ना सोचें अमाउंट छोटा है या बड़ा है, टाइम दुआएँ हम सबको ज़रूरत है। हमारे वॉलंटियर्स बने, डोर ऑफ अवेयरनेस के वॉलंटियर्स बने इस प्रोजेक्ट में, और भी बहुत से हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, आगे बढ़ें, ये मत सोचें। घर बैठी भी खवातीन बहुत कुछ कर सकती हैं, मेरा उनसे यही एक दरख्वास्त है कि घर बैठी जो खवातीन हैं हमारा पैगाम पहुँचाएँ हर जगह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुखय्यर हज़रात हमें हेल्प करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तौफीक दे कि हम ज़्यादा जोड़ों की ये शादियाँ मुनक्कद करा सकें। आप इस कार्य खैर में शामिल होने के लिए क्या तरीक़ेकार है, कुछ बताएंगी? एप्लीकेशन हमें आती हैं, फिर हम इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी करते हैं, स्क्रीनिंग होने के बाद हम जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये वाकई डिज़र्विंग है, क्योंकि बाज़ लोग नहीं होते डिज़र्विंग। हम इनकी तहकीक में ये चीज़ है कि ये ज़कात डिज़र्विंग है, सब जितने जोड़े हैं। ये तो आप जोड़ों की बात करिए, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई डोनेट करना चाहिए आपके साथ शामिल होना चाहें। जी, हमारा हेड ऑफिस मॉडल टाउन जे ब्लॉक में है और लाहौर में, और उसके अलावा हमारी वेबसाइट है doorofawareness.com, वहाँ पर आएँ, विज़िट करें, देखें, हमारे फेसबुक को ज्वाइन करें, वहाँ पर आएँ, इसी तरह से हमारी टीम का हिस्सा बनते जाते हैं लोग। बहुत शुक्रिया मिस, थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, आपने अपनी राय से ज़रूर आगाह करना, और अगर आप भी इनके टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।